आइए इन पत्रकारों से बात करते हैं कि क्या वजह रही कि इन्होंने किसानों के किसानों को अपना सपोर्ट दिया है। सर आप हमें बता सकते हैं कि आप किसानों के साथ क्यों आए हैं और क्या वजह क्या जरूरत पड़ गई कि पत्रकारों को किसानों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है। देखिए हमें ऐसा लगता है कि खासकर मोदी के सरकार के आने के बाद से पत्रकारिता और जो श्रम करने वाला तबका है किसान मजदूर उनकी खबरें ही सिरे से गायब हुई। दूसरी बात ये हुई है कि लगातार एक दुष्प्रचार है पूरे देश में, उसका एक हद तक सच भी है झूठ भी है कि सारे पत्रकार चोर हो गए हैं, सारे पत्रकार दलाल हो गए हैं। ऐसे में हमारा मानना है कि हम पत्रकारों की उस जमात से आते हैं जो पत्रकारिता किसानों से मजदूरों से अलग अलग उत्पादन करने वाले तबकों से जोड़ता है और उनकी जो जरूरतें हैं, उनके जो सवाल हैं, उनकी जो मुश्किलें हैं उनको हम मीडिया के माध्यम से लेकर आते हैं। इसलिए हमें लगा कि इस बार जो किसान आंदोलन हो रहा है उसमें हमारा भी एक साथ होना चाहिए, हमारी उपस्थिति होनी चाहिए और किसानों को लगना चाहिए कि हाँ हमारे साथ पत्रकारों की भी एक जमात खड़ी है और कमिटेड तौर पर। जी आपको ये नहीं लग रहा कि पत्रकार का काम तो रिपोर्टिंग करना होता है और अभी आप एक्टिविस्ट के रूप में खड़े हैं यहाँ पर, ये क्यों ऐसा क्यों? नहीं ऐसा लगता है पत्रकार भी समाज का हिस्सा होता है, किसानों की औलाद होता है, किसानों की बेटी होता है। पत्रकार सिर्फ पत्रकार नहीं होता और निष्पक्षता या न्यूट्रलिटी जैसी कोई चीज़ तो होती है, उसे न्याय का साथ देना चाहिए और ये न्याय वाला मामला है जिसमें हम सबको कमी है पत्रकार, और बड़ी संख्या में पत्रकारों को आना चाहिए अगर सच में अपने देश के अन्नदाता को करना चाहते हैं। टीवी प्रिंट से और जो पत्रकारिता से एकदम जो गायब है आंदोलनों की खबर, किसान मजदूर आंदोलनों के, ऐसे समय में पत्रकार जो कुछ अच्छे पत्रकार हैं वो आंदोलन में आ जाएंगे तो उनकी खबरें कौन लिखेगा? कहीं आप अपना काम तो नहीं भूल रहे हैं? नहीं, सीधे सीधे मैं तो एक चीज कहता हूँ कि भारत जो है कृषि प्रधान देश है और किसानी की समस्या, छोटे किसान की समस्या भारत में हमेशा से राजनीति और पत्रकारिता की एक मुख्य विषय होना चाहिए, क्योंकि पत्रकारों को पत्रकारिता ने बहुत बड़ी एक नाइंसाफी की है किसानों के साथ और पूरे कृषि के विषय के साथ। पत्रकारिता आजकल एक फैक्ट्री मुनाफे की कंपनियां है, बेसिकली वो कॉरपोरेट है जो अपनी कंपनियां चला रहे हैं, और पत्रकार अगर पत्रकार कृषि या किसानों के ऊपर कुछ लिख रहे हैं तो अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में लिख रहे हैं, चाहे वो मीडिया हाउसेस में है। तो ऐसे में जो नए पत्रकार समूह उभरे हैं या नए पत्रकारिता के जो इंस्टीट्यूशन बनने की प्रक्रिया में है, चाहे वो छोटे छोटे हैं, तो उनके लिए तो पहला मुद्दा ही किसानी और कृषि संकट होना चाहिए भारत के देश में। तो वो अगर उस पे कंसंट्रेट कर रहे हैं तो बहुत एक सामान्य प्रक्रिया पत्रकारिता की, बरक्स इसके जो कॉरपोरेट भारत जैसे देश में किसान और किसानी और कृषि का विषय गायब है तो ये सवाल उनसे बनता है, ये सवाल पत्रकारों से नहीं बनता, ये जो मीडिया संस्थानों के मालिकों से बनता है। भाई हमारे साथ पंकज श्रीवास्तव हैं जो संपादक हैं मीडिया विजिल के, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई इस दौर में कि पत्रकारों को किसानों के साथ खड़ा होना पड़ रहा है, उनको एक हैशटैग चलाना पड़ रहा है जर्नलिस्ट फॉर फार्मर, क्या जरूरत आन पड़ी इसकी? देखो मनदीप, सबसे बड़ी बात यह है कि जो मीडिया इस समय सो कॉल्ड कथित मुख्यधारा उसमें किसानों की बातों को, उनकी मांगों को, उनके असल मुद्दों को लगभग दरकिनार कर दिया, ऐसे में उनकी बात कौन करे? मुश्किल बात है। पहले एक स्वाभाविक बात थी कि अगर किसान आत्महत्या कर रहे थे, उनके मुद्दे थे, अखबारों में मीडिया में उनकी बात होती थी, लेकिन पिछले 4-5 सालों से जैसे एक पूरा निर्देश है कि उनके बारे में कोई बात नहीं होती, तो अब ये बात बतानी और इस बात को कहना बहुत जरूरी है कि पत्रकारों का एक बड़ा दायित्व तो ये भी है कि वो किसानों की बातों को, मजदूरों की बातों को रखें। और प्रेमचंद ने बहुत बढ़िया बात कही थी कि पूरी दुनिया में शासितों और शोषितों के बीच एक युद्ध है और पत्रकारों का काम शासितों के वकील का है, तो जिनकी कोई बात नहीं कर रहा उनकी दलील रखना पत्रकारों का काम है।